पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सर्च का फंक्शन आप यूज करो तो क्या होता है, ये जैसे ही मैंने नाम टाइप किया वो एक को हाईलाइट करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसको तो क्या होता है, वो सारा सेल हाईलाइट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो अभी मैं दूसरे वीडियो में दिखला रहा हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे इफ फंक्शन का और इस ब्लैंक फंक्शन का यूज करना है, हो सकता है तो आप काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। पहले मैंने सर्च फंक्शन का यूज किया, अब मैं क्या करूंगा इसमें ये इफ फंक्शन का जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पिछले वीडियो में, इस फंक्शन को क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा, मीन्स इफ फंक्शन को हम कैसे इसमें ऐड करें ताकि ये सारा वाइट हो जाए और जो नाम मैं टाइप करूं वही सिर्फ हाईलाइट हो। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फंक्शन मैंने डाल दिया है और यहाँ पे टोटल फंक्शन है मेरा जो इस पे अप्लाई हो रहा है। तो कैसे करते हो, मैं पुराने ही वाले सेल में इसे एडिट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिछले वीडियो में दिखलाया था, यहाँ पे सर्च बॉक्स मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, कंडेंसर फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाऊंगा। इसमें जाने के बाद आप यहाँ करंट सेक्शन है इसमें दो लिखो आप दिस वर्कशीट, ओके करो तो ये आपका पुराना फंक्शन आ जाएगा। अब इस पर दो बार क्लिक कर दो तो ये देखिए आपका फंक्शन सामने पे है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको ना इसी में ऐड करना है कौन सा फंक्शन, तो यहां पे देखिए इस ब्लैंक का फंक्शन है। इस ब्लैंक फंक्शन क्या करता है कि जो सेल ब्लैंक रहेगा वो उस सेल को ही कैच करेगा, काउंट करेगा। अगर वो सेल ब्लैंक होगा तो वो दिखाई देगा कि वो ब्लैंक है, अदरवाइज। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इफ फंक्शन अप्लाई किए तो इफ फंक्शन का लॉजिक क्या बोलता है कि अगर सर्च बॉक्स ब्लैंक है तो क्या होगा, जीरो होगा। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या करे, तो वो क्या करे सर्च का फंक्शन अप्लाई कर दे उस सेल पे, ठीक। इफ फंक्शन में क्या है कि अगर इफ फंक्शन हम यहां डाल दिए तो ये क्या लिखता है कि इफ अगर मेरा सर्च बॉक्स, यहां जो सर्च बॉक्स है ये अगर इस ब्लैंक ब्लैंक होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स मीन्स आपका सर्च बॉक्स वाला जो फंक्शन है वो अप्लाई कर दे, ठीक। तो कैसे करते हैं देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे मैंने फंक्शन में तो एंटर कर गया। अब इस फंक्शन में एंटर होने के बाद आपको यहां पे बस कुछ नहीं, यहां पे क्लिक करना है, लास्ट में जाके यहां पे टाइप करना आई एफ इफ ब्रैकेट ऑन। हमको करना क्या है, इज बी एल ए एन के ब्लैंक, अगर इज ब्लैंक एस सी ए आर सर्च अंडरस्कोर बॉक्स 5, अगर ब्लैंक है कॉमा तो क्या हो, जीरो हो, अदरवाइज क्या हो जाए सर्च बॉक्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, यानी कि वो बॉक्स में जो लिखा हो उसको वो सर्च कर ले, ठीक। यहां लास्ट में दो ब्रैकेट यानी एक ब्रैकेट और देंगे ताकि ये फंक्शन कंप्लीट कर पाए। ये मेरा फंक्शन अप्लाई हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या होता है, तो जैसे ही इसमें मैं ओके करूंगा तो क्या होता है, तो देखिए ये कलर आपको दिख रहा है, जैसे ही मैंने अप्लाई किया ये देखिए सारा कलर गायब हो गया। आप ओके कर दो। अब आप ओके करने के बाद यहां पे टाइप करो सुमित, देखिए सुमित टाइप हुआ, अब वो हाईलाइट हुआ। हावड़ा में लिखा हूं तो जितना हावड़ा है वो सारा अप्लाई हुआ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, सर्च फंक्शन का यूज कर सकते हो विदाउट फिल्टरिंग करके, सर्च करके। यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई क्या किया है, तो यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है इज ब्लैंक इफ का फंक्शन एंड इज ब्लैंक का फंक्शन, और उसके बाद सर्च का फंक्शन। आप चाहो तो यहां पे काउंट इफ काउंट का भी फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पे फिर एक बार जाता हूं कंडेंसर फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, वर्कशीट, क्लिक 2 times। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि काउंट, सिर्फ काउंट क्या करता है, नंबर्स काउंट करता है, तो COUNT काउंट ए, अगर सर्च बॉक्स हैज तो जीरो, वरना वो फंक्शन, ओके कर दो। सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ, यहां पे मैं मैनेज करके काउंट का ही यूज करूं तो ज्यादा अच्छा,
यानी यहाँ पे आपको काउंट यूज करना है, अप्लाई ओके। तो यहाँ पे देखिए सुमित लिखा, अगर मैं हावड़ा लिखता हूँ तो सिर्फ हावड़ा लेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट का भी यूज कर दिया। तो काउंट का भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर इस सेल में कुछ है तो आए, वरना वो हाईलाइट ना। तो ये दो तरीके से आप यूज कर सकते हो सर्च फंक्शन का, ओके?